नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी सोमति अमावस्या के दिन आप कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, तो इस दिन हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं अपने अमर सौभाग्य के लिए। माँ पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी सोना धोबिन की आकृति बनाकर पूजन अर्चन करते हैं, फेरी लगाते हैं। लेकिन पितरों के निमित्त हम लोग क्या क्या करें, इस दिन पितरों के निमित्त दान कब निकालें और जितने कार्य हैं उसे हमें कब करना चाहिए। पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे करने से हमें पितृ दोष नहीं लगता है और पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे जो पाप है वो दूर होते हैं, हमारे पुण्य का उदय होता है। तो ये कार्य भी सोमती अमावस्या पर आपको जरूर कर लेना है। दूसरी बात, शीघ्र विवाह के लिए कुंवारी कन्याएं जो हैं वो सोमती अमावस्या के दिन क्या कर सकती हैं, जैसे कि विवाह में विलम्ब हो रहा है, अड़चने आ रही है, बाधा आ रही है, तो इसके लिए सोमती अमावस्या एक विशेष दिन है, विशेष तिथि है। आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपके शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सोमती अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो हमें कैसे पूजन करना है, ग्रहण कब से कब तक है, ग्रहण का क्या प्रभाव है, ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सोमती अमावस्या पर पीपल पूजा करने और फेरी लगाने के अलावा पितरों के निमित्त हमें क्या क्या करना है, वो सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी तरह से आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य अवश्य कर लेने हैं। और हमें पीपल पूजा तो करनी ही करनी है। सभी बातों के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पीपल पूजा हमें करनी है सोमती अमावस्या के दिन अपने अमर सौभाग्य के लिए। 108 बार हमें फेरी लगानी है, सुहाग की सामग्री का दान करना है, माता गौरी जी की पूजा करनी है, सोना धोबिन की आकृति बनाकर पूजन अर्चन करना है। लेकिन सबसे पहला कार्य सुबह का, जो सबसे पहला कार्य है मैं बताती हूँ कि आप लोग सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अपने घर की जो भी दैनिक साफ सफाई है करने के बाद पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर आप लोग स्नान करेंगे। ये कार्य अमावस्या तिथि पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो नियम है कि किसी पवित्र नदी सरोवर में जाकर स्नान करें या किसी तीर्थस्थल पर जाकर स्नान करें, ये बहुत ही शुभ है। लेकिन जो लोग घर पे स्नान करेंगे उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि पानी में गंगा जल डाल लें। लेकिन स्नान करने से पहले आपको अपने पितरों के निमित्त जो दान है, मतलब सीधा निकालने के बाद ही स्नान करने जाना चाहिए। कोई भी दान हो तो स्नान करने के पहले आप उसकी व्यवस्था कर दें, निकाल के सारी चीजें व्यवस्थित कर दें, उसके बाद आप लोग स्नान करने जाएं दान की चीजें। तो जैसे पितरों के निमित्त हम लोग सीधा निकालते हैं प्रत्येक अमावस्या पर, तो इस अमावस्या पर भी आपको ये कार्य करना है। उसके बाद जो आपको पीपल पूजा के लिए सारी जो सामग्री होती है, फेरी लगाने के लिए जो गिनती करके जिस भी वस्तु को आप लोग रखते हैं उसके साथ अनाज, सुहाग की सामग्री, पूजन सामग्री, ये सारी तो व्यवस्था आपको पहले कर ही लेनी है, क्योंकि सुबह सवेरे हमें पूजा की सारी व्यवस्था करनी होती है तो उसमें बहुत देरी हो जाती है। तो सारी सामग्री वो अलग आपको रखना है, और सुबह पितरों के निमित्त जो सीधा दान हम लोग निकालते हैं इसे आपको पहले निकालकर फिर स्नान करने जाना है, क्योंकि ये अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और सोमती अमावस्या विशेष अमावस्या होती है। तो ये कार्य करके स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद पहला कार्य आप लोग दान कीजिएगा। दान करने के बाद सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना करके आप लोग माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करके घर के मंदिर में आप चाहे पहले पूजा कर लें या फिर पीपल पूजा कर लें, उसके बाद आपके घर के मंदिर में आकर पूजा करें, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसा आपके पास समय हो, तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद जाकर पीपल पूजा कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहती हूँ कि क्या कुंवारी कन्याएं भी इस दिन पीपल पूजा कर सकती हैं, फेरी लगा सकती हैं। तो देखिए, कुंवारी कन्या इस दिन सोमती अमावस्या के दिन यदि पीपल पूजा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि विवाह में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उनको करना क्या क्या है, जैसे कि पीपल पूजा में उनको माता गौरी जी की पूजा करके पीपल में जल अर्पित करके उनको परिक्रमा 108 परिक्रमा वो कर लें पीपल की, और सोना धोबिन, जो आकृति सोना धोबिन की बनी होती है, वहां पर वो प्रार्थना करें अपने शीघ्र विवाह के लिए, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, और उनको स्पर्श करके, मतलब जैसे हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, उनका चरण स्पर्श करके उनसे प्रार्थना करें, तो इससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। माता गौरी जी से
प्रार्थना करें कि उन्हें अच्छा वर अच्छा जीवन साथी मिले। और दूसरा कार्य, इस दिन माता पार्वती जी और शिव जी की एक साथ पूजा अर्चना उन्हें करनी चाहिए, मतलब शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, चाहे कच्चे दूध से करें या फिर गंगा जल से करें। माता पार्वती जी और शिव जी का अभिषेक करके वहां पर बैठकर कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, वहां बैठकर शिव मंदिर में ही ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सोमती अमावस्या के दिन या फिर प्रत्येक सोमवार के दिन यदि ऐसा करती हैं कुंवारी कन्याएं, तो उनको जो भी उनके विवाह में अड़चने हैं, बाधा है, वो दूर होती है। तो सोमती अमावस्या के दिन जैसे हम लोग वस्तु कोई हाथ में लेकर और फेरी लगाते हैं, मान लीजिए वो कार्य वो ना करें कि कोई वस्तु हाथ में लेकर और अनाज लेकर फेरी ना लगाएं, लेकिन 108 परिक्रमा जरूर कर लें और सोना धोबिन और माता गौरी जी का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें। कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है शीघ्र विवाह के लिए। ये कार्य हो गया। अब मैं बात करती हूँ पितरों के लिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पाप को दूर करने के लिए हमें और कौन सा उपाय अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दिन आप लोग मछली को आटे की गोलियां जरूर डालिए, अमावस्या तिथि पर जरूर डालिए। वैसे जब भी आप डाल सके आपको डालना चाहिए, प्रतिदिन भी डालना चाहिए। और इस दिन काली चींटी को आप लोग आटा और शक्कर उसमें मिलाकर, मतलब आटे को थोड़ा मीठा करके आप लोग काली चींटियों को पेड़ पौधों के नजदीक जहां पर चींटियां निकलती हैं वहां पर जाकर जरूर डालना चाहिए। चींटियों को आटा डालने से हमारे जो पाप कर्म है वो कटते हैं और हमारे पुण्य का उदय होता है और इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या पर दोस्तों जितना ही आप पशु पक्षी का आप सेवा करेंगे, उनको भोजन देंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, कुत्ते के लिए कौवे के लिए आप भोजन की व्यवस्था करेंगे, उतना ही पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो पितर दोष है वो दूर होगा। तो पितरों के निमित्त दान भी आपको निकालना है। इस दिन पक्षी और जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी है और पीपल पूजा तो आपको करनी ही करनी है। दूसरी चीज, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो वो भी आपको कराना है, नहीं तो सीधा, इसीलिए मैंने बताया है कि संपूर्ण सीधा आप दक्षिणा सहित जरूर निकाल दें और ले जाकर किसी मंदिर गरीब या किसी पंडित जी पुजारी जी को जरूर दें। ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ सोमती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण कब से कब तक है तो पहले आइए इसका समय जान लेते हैं। 8 अप्रैल को सोमती अमावस्या है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण रात में 9:12 पर लग रहा है और यह समाप्त होगा रात में 1:25 पर। तो ये देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि इस बार जो ये सूर्य ग्रहण है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसका भारत में कोई भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब, भारत में ये सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं है, तो हम लोगों को किसी भी तरह का नियम नहीं लेना है। खास करके जो गर्भवती बहनें हैं वो बहुत ही चिंता करती हैं इस बात को लेकर कि सूर्य ग्रहण है या फिर चंद्र ग्रहण है तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत है या हमें हानि पहुंचेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दृश्य नहीं है, तो इसका सूतक या इसका कोई भी प्रभाव हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हमें कोई भी नियम इसका लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, आपने समय देखा कि सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है, तो हमारे यहाँ सूर्य भगवान दिन में उदय होते हैं तो सूर्य ग्रहण दिन में लगता है और चंद्र ग्रहण रात्रि में लगता है, तो ये सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है अर्थात ये भारत में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। तो जितनी गर्भवती हमारी बहनें हैं उन्हें भी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल भगवान के नाम का स्मरण करें, उनके जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये बात थी सूर्य ग्रहण के विषय में। अब मैं बात करती हूँ संध्या के समय। तो देखिए, सोमती अमावस्या है, संध्या के समय आप लोग पीपल वृक्ष के समीप एक सरसों तेल का दिया जरूर जलाइएगा। सुबह तो हमने पूजन अर्चन कर लिया, दीपक भी हमने जलाया, फेरी भी लगाया, लेकिन संध्या के समय भी आप लोग पीपल वृक्ष के समक्ष एक दीपक जलाइएगा और अपने पितरों के निमित्त, जो कि मैं प्रत्येक अमावस्या की वीडियो में बताती हूँ, अपने पितरों के निमित्त भी आप लोग दीपक जलाना मत भूलिएगा, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है और दीपक की जो लौ होती है वो भी दक्षिण दिशा की तरफ होती है। सरसों तेल का दीपक होता है, आटे का दीपक भी बनाकर आप जला सकते हैं, मिट्टी का भी नया दीपक आप लोग लगा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, और पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस तरह आप लोग बोलते हुए अपने पितरों को वो दीपक समर्पित कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। तो ये कार्य जरूर करना है क्योंकि ये अमावस्या है और सोमती अमावस्या है, बहुत ही विशेष ये महत्व रखती है। इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, इसका हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है।
तो ये कुंवारी कन्याएं जरूर ये कार्य कर लेंगी। सोमती अमावस्या पर उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और बाकी जितनी भी माताएं बहने हैं वो अच्छी तरह से तैयार होकर पीला सिंदूर मांग में लगाकर और अच्छी तरह से पीपल पूजा करेंगी, सोना धोबिन माता गौरी जी की पूजा करेंगी, फेरी लगाएंगी, संपूर्ण कार्य उनको करना है। लेकिन पितरों के निमित्त दान या भोजन की व्यवस्था जरूर करनी है आप लोगों को, तो ये कार्य करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।